हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर 1.2 क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5th। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हम पहले कर चुके हैं। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। गिवन डेट, आपको क्या गिवन है? एचसीएफ। किसका एचसीएफ? टू नंबर्स का, 306 एंड 657 का एचसीएफ आपको 9 गिवन है। और आपको क्या फाइंड करना है? उसका एलसीएम आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो एलसीएम फाइंड करने के 2 तरीके हैं। वो एक तो फैक्टराइजेशन मेथड से आप कर सकते हो, क्योंकि आपको नंबर्स आपको गिवन है, आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, उसका एक मेथड और है, एक आपको पता है एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इज इक्वल टू क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। आप इस मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हो एलसीएम को। ठीक है, आपको एलसीएम फाइंड करना, तो एलसीएम को इधर रहने दीजिए। एचसीएफ आप ट्रांसपोज करेंगे तो कहाँ चला जाएगा? डिवाइड में। क्यों? क्योंकि इसके साथ क्या है? मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में तो कहाँ चला जाएगा? इसके डिवाइड में। चलो, ये आपकी एक फॉर्मूला है, आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे। प्रोडक्ट्स ऑफ टू नंबर्स आप क्या लिखेंगे? 306 मल्टीप्लाई 657 डिवाइड एचसीएफ। एचसीएफ कितना है आपके पास? 9। ठीक है, इसको इससे डिवाइड किया, जब इसको कैंसिल कर रहा है कितने टाइम में? 34 मल्टीप्लाई 657। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर कितना मिलेगा? 2 3 2 2 3 3 8। ये आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, आप इसको मल्टीप्लाई करके आराम से चेक कर लीजिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्या बोल रहा है? चेक। आपको चेक करना है, क्या चेक करना है? 6n कैन बी एंड विद द डिजिट 0। ये बोल रहा है कि 6n ये कोई नंबर है। ठीक है, इसका जो एंड है वो 0 पे हो सकता है, यानी कि यूनिट प्लेस पे 0 पॉसिबल है क्या? ठीक है, एंड कोई नेचुरल नंबर है। तो आप सपोज कर लीजिए, पहले ही सोच के चलते, ठीक है, अगर 0 पर एंड होता है, 0 पर एंड होने का मतलब क्या है कि 6 की पावर आपने कुछ भी पुट करे, 13 पुट कर ली, तो इसका आंसर जो भी आएगा उसके एंड में 0 आ सकता है क्या? ये आपको शो करके दिखाना है। तो अपन चेक करते हैं 0 आता है क्या। ठीक है, तो अगर इसके एंड में अपन मानते हैं अगर 0 आता है तो आप क्या बोलेंगे कि अगर 0 आता है तो 5 से डिविजिबल होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि किसी का यूनिट प्लेस, अगर यूनिट प्लेस पे 0 होता है तो किससे डिविजिबल होता है? 2 एंड 5 से। 2 से भी होगा, 5 से भी होगा, 2 से भी होगा, 5 से भी होगा, इनके 5 से तो डिवाइड हो गई होगा। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे? 6n। 6n को आप ऐसे लिख सकते हो 2 इंटू 3 की पावर n। तो इससे आपको क्या पता चलता है? 6 के प्राइम फैक्टर, 2 3 क्या है? 6 के प्राइम फैक्टर। और आपको पता है जो प्राइम फैक्टर होते हैं उसी से वो नंबर डिवाइड होता है, तो 6 अगर किसी से डिवाइड होगा तो 2 और 3 से ही होगा। ठीक है, तो यानी कि आप क्या बोलेंगे? तो 5 तो इसका कॉमन फैक्टर हुआ ही, 5 इसका प्राइम फैक्टर हुआ क्या? नहीं हुआ। तो 5 अगर इसका प्राइम फैक्टर नहीं बन सकता, इसका प्राइम फैक्टर नहीं होगा, और प्राइम फैक्टर नहीं है तो फिर यूनिट प्लेस पे 0 भी नहीं होगा। ठीक है, तो आंसर यही है कि ऐसा कोई आंसर, ऐसा कोई डिजिट पॉसिबल नहीं है जिसके लिए लास्ट में यूनिट प्लेस में 0 हो। थैंक यू।